हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, कल की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमारा जो एक सिराजी कबूतर है वो डेथ कर गया। वैसे वो कुछ दिन पहले डेथ कर चुका था, लेकिन मुझे उसके बारे में कल ही पता चला। तो फैमिली, बहुत ज्यादा बुरा लगा मुझे, और अभी भी मैं कहीं ना कहीं परेशान हूँ उसको लेकर। खैर, उसकी कमी तो मुझे खलती रहेगी पिजन सेटअप पर भी, और मेरे दिल में जो उसकी जगह थी वो भी हमेशा बनी रहेगी ऐसी, और उसकी याद ऐसी ही आती रहेगी। और कर तो कुछ नहीं सकते। बाकी मैंने अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली से इस बारे में सलाह मशवरा किया, और उन लोगों ने भी, आप लोगों ने भी मुझे यही सलाह दी कि इसमें आर्यन का भी कोई फॉल्ट नहीं है, ये एक होनी थी जो कि हो गया, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो सब गॉड की मर्जी होती है, तो जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तो खैर, अभी क्या ही कर सकते हैं। बाकी गाइस, आज मैं क्या सोच रही हूँ कि हमारा जो पिजन सेटअप है ना, उसकी वैसे भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। आप लोग भी मुझे काफ़ी टाइम से कमेंट्स कर रहे हैं कि आप अपने पिजन सेटअप को ठीक करिए, उसको मजबूत करिए, कवर करिए। तो आज मैं वही करने का सोच रही हूँ। तो फटाफट से चलते हैं अपने पिजन सेटअप पर, और आज उसको कवर करते हैं ताकि हमारे जो कबूतर हैं वो भी ठंड से बचे रहे, और साथ में हमारा जो सेटअप है वो भी मजबूत हो जाए, क्योंकि फैमिली विंटर सीजन भी आ गया है, कबूतरों को रात में ठंड भी लगती होगी, तो आज वही सब करने वाले हैं। तो चलते हैं पिजन सेटअप पर। तो गाइज, अभी मैं आ गई हूँ पिजन सेटअप पर, और मैंने आर्यन को भी बोल दिया है छत पर आने के लिए, तो वो भी बस आते ही होंगे। उसके बाद हम दोनों मिलकर और आगे का काम स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से अपने पूरे पिजन सेटअप को कवर करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर देखिए पेटी की क्या हालत हो रखी है, और साथ में हमारे जो जाल वाले कबूतर हैं वो भी जाल के अंदर बंद है काफी टाइम से। आर्यन ने मुझे बताया कि बहुत टाइम से इनको खोला भी नहीं गया है, तो इनको भी परेशानी हो रही होगी। पहले तो इनके पास अपने अपने लॉफ्ट थे, तो सब उसके अंदर इजली आराम से रहते थे पेयर के साथ, लेकिन अभी सबको जब एक साथ बंद करके रखा हुआ है तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी। तो तभी मैंने आर्यन को बोला है कि वो जल्दी से सबसे पहले इसी काम को करें, तो बस आने पर ही होंगे, और जैसे ही वो आते हैं उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आर्यन भी वहां पर आ चुके हैं, और हाय। तो अब हम जल्दी से सब अपना काम स्टार्ट करते हैं और जल्दी से इसको कवर करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, हम लोगों ने अपने जाल को यहाँ पर सेट कर दिया है, और दोनों जाल एक जगह लगा दिए। पहले दोनों जाल अलग अलग थे, और अभी दोनों को यहाँ सेट कर दिया है। अभी का हमारा जो आएगा फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोग यहाँ जो पेटी है उनको यहाँ से हटा दे,
या फिर जो हमारी छोटी वाली बेटी है उसको अंदर शिफ्ट कर दे, पहले एक बार देखते हैं, अगर वो अंदर आती है तो ठीक है, वरना उसको बाहर रहने देंगे भी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, इस काम को भी कर लेते हैं जल्दी से। लगा दिया है कबूतर हमारे, इनको सेफ होते जा रहे हैं धीरे धीरे। अब ये जो पेटी मैं दिखाता हूँ इधर देखिए दोस्तों, ये वाली पेटी है ना, इसको हम यहाँ से हटा देंगे ताकि यहाँ से रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए, हम लोग यहाँ बैठ सकें या फिर कुछ स्पेस हो जाए यहाँ पर, ठीक है। हम लोग इस पेटी को हटाने वाले हैं और हटाकर इसको रखेंगे, या तो इस वाली सबसे रख देंगे। तो गाइज अभी दोनों जाल को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, और साथ में जो छोटी वाली पेटी थी उसको भी हमने जाल के अंदर शिफ्ट कर दिया है। बड़ी वाली पेटी जो हमारी बंदरों ने उखाड़ के ख़राब कर दी थी उसको हमने पूरा तोड़ के और साइड में रख दिया है, उसका अब कोई काम नहीं बचा है। और अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है हमारे सभी जो कबूतर हैं, ब्रीडर पेयर हैं, उनको कॉलम देना, यानी कि जिसमें वो अपना ब्रीड वगैरह कर सके, अंडे बच्चों को रख सके। तो वो काम तो हम बाद में करेंगे, और साथ में इसको कवर करने का काम रह गया उसको भी बाद में करेंगे। तो इस सब में जहां आर्यन ने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की, साथ में जीवन भाई ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की,
और दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं, जीवन भाई जो हैं वो हमारी कॉलोनी से ही हैं। कभी कभी वो आ जाते हैं अपने बच्चों को लेकर, हमारा जो मिनी ज़ू है बर्ड्स को दिखाने के लिए, मिनी ज़ू को विज़िट कराने के लिए, तो वो आ जाते हैं। तो अभी वो आए हुए थे तो उन्होंने बोला कि चलिए मैं भी आपकी हेल्प करा देता हूँ, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प कराई। तो थैंक्स तो थैंक यू जीवन भाई, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। कहना चाहेंगे कोई बात, लड़का शर्माता बहुत है जी, कहना शर्म लग रही है मुझे तो। सो थैंक्स टू जीवन भाई, और साथ में गाइस ये हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, हमारी वीडियो भी बहुत ज़्यादा ये देखते हैं और साथ में बहुत तारीफ भी करते हैं, तो इस तरह से हमारे साथ आ जाते हैं। और वंस आया है आज, तो वंस ने भी काम कराया है ना। हाँ कबूतर देखे कैसे लगे, ये सब्सक्राइबर तो वंस को भी, वंस को भी शर्म आ रही है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।